नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे खबरों के सफर की शुरुआत। बड़ी खबर, कुंभ को लेकर हुई बैठक तो देहरादून से बड़ी खबर, सीएम आवास पर चली कुंभ की बैठक हुई समाप्त। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम आवास पर चली कुंभ की बैठक खत्म हो गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए अधिकारियों को निर्देश, कुंभ के कार्यों को टाइम बाउंड तरीके से कराया जाए संपन्न। तो जल्द संपन्न कराया जाए टाइम बाउंड तरीके से, इसके निर्देश दिए गए हैं कुंभ कार्यों को। और घाटों के निर्माण, सौंदर्यकरण, पुलों के निर्माण, शौचालय के निर्माण सहित तमाम व्यवस्था जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश भी सीएम ने दिए। तो बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून से कुंभ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, सीएम आवास पर कुंभ की बैठक खत्म हो गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कुंभ के कार्यों को टाइम बाउंड तरीके से जल्द खत्म कराया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, कुंभ के कार्यों को टाइम बाउंड तरीके से कराएं, जल्द संपन्न। घाटों के निर्माण, सौंदर्यकरण, पुलों के निर्माण, शौचालय के निर्माण सहित तमाम व्यवस्था जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, सीएम आवास पर जो बैठक हो रही थी कुंभ को लेकर, क्या निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने? जी देखिए, अभी जो बैठक आज 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में की जा रही थी महाकुंभ को लेकर, वो बैठक संपन्न हो चुकी है। और जैसा कि सब आप जानते हैं कि उत्तराखंड ने अब आगामी 2021 में देश का सबसे बड़ा आयोजन होना है, यानी महाकुंभ होना है, उसकी कितनी व्यवस्थाएं थी और कितने काम अधूरे रहे हैं उनको लेकर आज दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को दिए हैं। और बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश और तमाम अलग अलग विभागों के विभाग अध्यक्ष इस बैठक में शामिल थे, और साथ ही साथ महाकुंभ में जितने भी बड़े अफसरों की तैनाती है वो इस बैठक में शामिल हुए थे। और घाटों के निर्माण हो या चाहे पुलों के निर्माण हो, शौचालयों की व्यवस्था हो, तो तमाम जितने भी महाकुंभ में होने वाले कार्य हैं उनकी आज उन्होंने समीक्षा बैठक की है। और जल्द से जल्द टाइम बाउंड तरीके से हर कार्य को निपटाने के लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। लिहाजा अब देश का सबसे बड़ा आयोजन हरिद्वार में होना है, लेकिन कोरोना का तत्काल चल रहा है। जी, विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के।